So on and through respectively. If there is no number, if there is no number, no such there is no such number on the left of your left to the radical sign. Shows scale. हमारे पास रेडिकल क्या है? रेडिकल बेसिकली हमारे पास जो सिंबल हमने यूज किया है इसको मेडिकल साइन बोलते हैं, और हमारे पास रेडिकल साइन के लेफ्ट साइड में हमारे पास नंबर लिखे होते हैं 2, 3, 4, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कौन से टाइप का रूट है। अगर 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट, अगर 3 हमारे पास क्यूब रूट, एंड अगर 4 है हमारे पास फोर्थ रूट होगा, सो ऑन एंड थ्रू रिस्पेक्टिवली। अब रेडिकल इक्वेशंस क्या है? इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेडिकल साइन an expression are called radical equations. For example, two x plus one square root plus x square is equal to 7. ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस कहलाएंगे। इधर क्लियर वीडियो और आवाज सही आ रही है सबको? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सट्रेनियस रूट्स। Obtain and solving the process of and solving the process of equation, but it is not actual root of the equation. Root of the equation is called extraneous root. In other words, हम इसको ये भी कह सकते हैं, the roots which does not satisfy the equation is called extraneous root.
ये हमारे पास स्विमनेस रूल को डिफाइन किया मैंने, ऐसे रूल्स जो हमारे पास इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद हमें मिले, ये के रूल्स जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, उन रूल्स को क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूल्स कहते हैं। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास फोर काइंड के क्वेश्चन है जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, नंबर ऑफ टेन एंड सॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन बट इट इज नॉट एक्चुअली रूट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द रूट व्हिच इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन फ्रॉम व्हिच ऑब्टेन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। जी सबको क्लियर है सर? एक बार रिपीट करते हैं, हमने देखा हमारे पास कौन कौन से फोर काइंड के क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम वन के रिलेटेड है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू बेसिकली इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इधर हम इसे इस बार में प्रूव कर रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू की? X square minus x by 2 exercise 4.3 question number 2 x square minus x by 2 x square minus x by 2 is equal to 4.2 जी, 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। रेडिकल इक्वेशन का x square minus x by 2 minus 7 is equal to x minus 3 into square root of 2x square minus 3x plus 2। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व करना है।
ये बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास टाइप 1 के रिलेटेड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू यहां पर डिटरमिनेंट में आज को सिंपलीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे क्वेश्चन को कंबाइन को मल्टीप्लाई बाय 2 df x 2x square minus x minus 14 is equal to 2 into x minus 3 into square root of 2x square minus 3x plus 2. Further, हमें simplify करना है, then 2 को multiply कर देते हैं inside, we have 2x square minus x minus 14 is equal to 2x minus 6 square root of 2x square minus 3x plus 2. अब इसको फर्दर हम लोग यहाँ पर सारांश करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। हमारे पास एज अ होल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, इट विल गिव अस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 इज इक्वल सॉरी माइनस 14 माइनस 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x plus 2. Minus x minus 2x will give us minus 3x. 2x square minus 3x minus 14 plus 6 into square root of 2x square minus 3x plus 2 is equal to 0. अब यहाँ पर हमारे पास ये टर्म सेम बन रही है ऐसा वाले एक्सप्रेशन में, तो हम यहाँ पे y की को लेंथ करेंगे, पुट करेंगे y is equal to 2x square minus 3x, it will give us and we have y minus 14 plus 6 तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, बल्कि ऐसा करते हैं यहां पे y को पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, यहां से क्या मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल सॉरी y स्क्वायर माइनस 2 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x यहां से स्क्वायर को फाइंड करेंगे यहां से क्या बनने हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 14 प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सिंपलीफाई करते हैं y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर
plus minus 14 minus 2 minus 16 is equal to 0. हमें फैक्टराइज करना फाइव में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 16 माइनस के है ए टू आर 16 माइनस एट सॉरी माइनस टू प्लस एट एट बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 हमारे पास प्लस 6 पर आता है। वी कैन राइट वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस 2 वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। वाई इज कॉमन वाई माइनस 8 माइनस 2 इज कॉमन y plus 8 is equal to 0 and y plus 8 is common as a whole. Y minus 2 is equal to 0. As per class, y plus 8 is equal to 0 or either y plus 8 is equal to 0 y minus 2 is equal to 0. And we have y is equal to 8 minus 8. y की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन के लिए वो यहां पर पता है दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 16 It will give us 2x square minus 3x plus 2 minus 16 is equal to 0. And we have 2x square minus 3x minus 14 is equal to 0. 14 to the 28. And then, factorize the number of 3 1 and simply equal to 1 and then b is equal to minus 8. C is equal to minus 14. By using quadratic formula, x will be equal to minus 3, minus minus plus 3 over here, plus minus b square. B square that is minus 3 square, minus 4ac. 4a, ये हमारे पास 2 है. C हमारे पास minus 14. Over 2. A again हमारे पास 2 है. इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे. It will give us x is equal to b plus minus 9 minus minus plus 4 to the 8 multiply by 14 over 4. It will give us x is equal to 3 plus minus square root of 9. Plus 14 multiplied by 8. 3 1 12 by 4 that is equal to 3 plus minus 121 over 4 and x is equal to 3 plus minus 11 by 4 and x is equal to 3 plus 11 by 4 or x is equal to 3 minus 11 by 4 3 plus 11 14 by 4 and x
is equal to 3 minus 11. Minus 8 by 4, that is equal to minus 2, and that is equal to 7 by 2. And the second factor, y is equal to minus 2. अभी से हम सॉल्व करेंगे y इज इक्वल माइनस टू को फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एट का सेकंड हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस टू है यहाँ से बढ़ाई गई है क्या बढ़ेगी टू के इक्वल वाई अब जो लेफ्ट की तरफ हम यूज करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर एंड हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस वन प्लस क्या है ना टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड नेक्स्ट एट चाहिए तो इसको फैक्टराइज करेंगे फाइंड करते हैं कि v is equal to minus 3x is equal to minus y is equal to minus v plus minus रिपीट कर देंगे समझ नहीं आ रहा v is equal to minus 4ac minus 2 and all square root of 2 and 2 g यहाँ तक समझ आ रही है नो सर नहीं सर सर दोबारा रिपीट कर दें अगेन एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्टार्ट से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ हाँ जी हमारे पास टाइप वन में क्या है इस वन में क्वेश्चन गिवन होगी हमें उसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल से क्या किया सिंपलीफाई किया यहाँ पे उसको डिनोमिनेटर में टू है उसको सिंपलीफाई किया हम लोगों ने सिंपलीफाई करते हुए हमारे पास टू से मल्टीप्लाई किया रिमेनिंग को हमने रिरेज किया y
इसे हम याद रखेंगे यहाँ भी यूज करेंगे। ये y के इक्वल है और ये वेक्टर हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2 आ गया है। हम लोग यहाँ पे इसे वैल्यू यूज करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन वेरिएबल y। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इन वेरिएबल y। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन वेरिएबल y जो है हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। बस क्या बन रहा है यहां सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया y का y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 14 प्लस 6 इक्वल 0। सिंपलीफाई करने यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल y, हम इसको वेक्टर बनाए, वेक्टर बनाने के बाद y के वैल्यूज फाइंड किए, हमारे पास दो आंसर आए y के y माइनस 8 एंड माइनस 8 2 के इक्वल। अब यहां से हमारे पास y माइनस 8 y के वैल्यू में रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने दैट की, उसे हम यहां पे सारा करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास 8 स्क्वायर 64 और हम इसको सिंपलीफाई कर दिया लेफ्ट साइड मिला था माइनस 64 मिल जाएगा। अब इसके फैक्टर में मान लीजिए कि आप क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास ये जो ए बी सी पहले याद बुक करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर माइनस ए भी यहाँ पर 14 लिख दिया कि माइनस 16 होना है माइनस 62। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे और ये जो x will be equal to 3 plus minus 9 plus multiply करेंगे minus 4 is equal to minus minus प्लस फोर नाइनटी सिक्स एट टू सिक्सटीन फोर्टी नाइन ओवर फोर दैट इज इक्वल थ्री प्लस माइनस एड करेंगे फाइव जीरो फाइव ओवर फोर। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास y इज इक्वल टू के इक्वल था, इसे हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। वैल्यू यूज करके y के लिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की थी यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी x will be equal to 3 plus minus 9 minus minus plus 32 16 over 4 that is equal to 3 plus minus 25 by 4 square root 25 by plus 3 plus minus 5 over 4 x will be equal to 3 plus 5 by 4 and x will be equal to 3 minus 5 by 4 x will be answer kya aayega 8 by 4 and x will be equal to answer minus 2 by 4 that is equal to 2 and x is equal to minus 1 by 2। अब यहाँ पे हमारे पास फोर रूट्स आई है। अब ये सारे के सारे रूट्स हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, जस्ट फोर रूट्स लिखेंगे जो हमारे पास गिवन जो इक्वेशन के थ्रू सेटिस्फाई करे। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, उसमें हमारे पास पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं, फिर हम अगर इक्वल आ जाती है तो फिर हमारे पास रूट को हम क्या करेंगे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। इन केस अगर हमारे पास इक्वल नहीं आती है तो हमारे पास सीरियस प्रूफ करेंगे। x इक्वल टू हमारे पास 2 है
यहाँ बोल दे ऐसे बोल दो यहाँ पे और साल करेंगे दोनों साइड एक एक आ जाते हैं हमारे पास इसके सब्सक्राइब करने का सोशल वो रूल्स हमारे पास सोशल साइट के लिए नहीं होते रूल हमारे पास नहीं सब्सक्राइब करेंगे उसे हम सोशल साइट के लिए नहीं देंगे हमारे पास स्ट्रीमियस कोर्स में जाएंगे सेंस x is equal to 3 plus minus square root 5 over 5 is done. Is a serious root. Hence, our solution set is equal to just 2 by 3, 2 and minus 1 by 2. Now, here to make a serious root, we will keep the same values. ये हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं जैसे हम रिप्लेस करें सिंपली पे ये वैल्यू को करके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ले आएंगे उसको हम कहेंगे एक्सट्रीमियस रूट उसको सॉल्यूशन सेट में हम नहीं लिखते।